दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। शियद द्वारा की जा रही सद्भावना रैलियों की श्रृंखला में तीसरी रैली 14 दिसंबर को खडूर साहिब में की जा रही है। इस आगामी रैली की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए अमृतसर के अकाली दल के नेता लोगों को इस रैली में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी के तहत पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने हलके मजीठा में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को आगामी सद्भावना रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि वे पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा से अवगत हो सकें। इस समागम के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी एवं शियद और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मजीठा से हलचल के लिए विक्रम रंधावा की रिपोर्ट। देखो एड्डी वड्डी गिनती च अज तक इतिहास से पंजाब के इतिहास से इन्ने छोटे समय से इन रैलियां कदे नहीं हुई तो वध चढ़ के लोग आ रहे हैं। लोग इस गल का सबूत देन आ रहे हैं कि असी भाईचारक सांझ चाहते, असी अमन शांति चाहते, असी पंजाब की तरक्की चाहते। तो यह बड़ा वड्डा संकेत है उन्होंने विरोधी ताकतों जिन्होंने पंजाब के माहौल में खराब करने की कोशिश की। यह कोर्टा का फैसला है, जुडिशरी का फैसला है। तो जुडिशियल फैसले नूं जे अज तुसी उहदा संसद च हंगामा करो उहदा कोई तुक नहीं रह जांदी। कल्ला ते कल्ला लोकां दा ध्यान हटाउण दी कोशिश की कीती गई है। जो उहदे च कमी पेशियां सामने आईयां उस आधार ते जज साहब ने सोनिया गांधी जी नूं ते राहुल गांधी जी नूं समन भेजिया। मैं समझदा कोर्ट का सामना कोर्ट च करन, जो उहनां कोल जवाब आ पेश करन, हिंदुस्तान का समा बर्बाद ना करन, लोकां दा समा खराब ना करन, लोकां दे भले लई फैसले लैण लई उहनां नूं पार्लीमेंट भेजा गया, उह भले दे फैसलां नूं जाके